सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुनम सोहम सुरती समापतम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा कट यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीशे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोय चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय ना सम।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नकस एक भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संवार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माई, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बां। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज को सुहजत और न ठोरी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता, और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए, उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही, तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरा सिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली, वहाँ एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहाँ रख करके
शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का, 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे, 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता जिसके आगे सारे मर जा। तो यहां परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सबका मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं, और जड़े परोक्ष हैं, गुप्त हैं। तो मूल मालिक तो गुप्त है, परोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सर पुरुष, और उस डार के फिर तीन शाखाएं हों, वो रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्म ने मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं। उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं, उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्मबंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काट कर अर्थात समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2-12 में, गीता अध्याय नंबर 10-2 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा की पदवी प्राप्त ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं साधक हैं जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया, इस भूल के कारण ये उदार आत्मा नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक हैं लेकिन मेरे वाली अनुतम गति में ही स्थित हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, और ये भी अनुतम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। अपुन आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये तीन पुरुष बताए, तीन प्रभु, एक सर्वपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं और जीवात्मा सभी की अमर है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा,
और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू घने हो गए, इसलिए यहाँ परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। पुण्यात्मा, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई, किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितक और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआ या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आँख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ कर फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान कर अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे, अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवृत्ति करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं, लेकिन वो फल अस्थाई होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते, उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा, तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो, उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको सिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु, वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से
और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित हैं। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहेब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नाशवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। फिर 17वें में कहा कि ये लोक त्रयमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका, वो परम अक्षर ब्रह्म, संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जावेगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है, विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहाँ जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहाँ डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, और जब वो समाप्त हो जाते हैं अपने पुण्यों से ही वो वहाँ सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है, तो वो समाप्त होते ही उसकी वहाँ से मृत्यु हो जाती है, ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है शिव जी के लोक में चला जाता है, वहाँ भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है, और वहाँ भी प्राणी अपने पुण्यों को अक्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। उस कॉमन स्वर्ग का राजा जो है वो
इंद्र होता है और वहाँ भी प्राणी को अपने ही पुनों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहाँ से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुनों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग, और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सर्वपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, वहाँ गए हुए उस महास्वर्ग में बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्म लोक, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता ही रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सर्वपुरुष है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं।
और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के क्रम में है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1-5 में कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6-9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि दो प्रकृति हैं, एक तो ये दुर्गा है या तो चेतन प्रकृति है और बाकी ये पांचों तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई है ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बुलवानों का बल बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूँ, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूँ, जब चाहूँ उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूँ और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूँ। पुण्यात्माओं जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी, जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं, और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर, नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहाँ तक कह दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कति नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे वो भी अच्छा होगा, ऐसे कहर को ऐसे जुल्म को ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूँगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा जिसने यु नाश करवाना था इस ब्रह्म ने कि बात बिगड़गी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी दूसरा ग्रहण कर लेता है, 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक कि मैं काल हूँ खा जाऊँगा। अब जिसको देख कर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ, 11:32 श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूँ, तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो
तो पुण्य आत्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी है और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली, वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया विषाक्त तीर मार के, एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर सूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को, कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए, वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभासक क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहाँ उसके पैर के तलवे में एक पदम था, उस पदम की बहुत चमक होती है जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पदम। शिकारी ने आओ देखा ना ताओ देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर है, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव रिलेटिव थे वो वहाँ पहुँचे, अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहाँ चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया, कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही ये गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के, मूल लखे नी मूर्खा, गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये तो ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था उनकी धर्मपत्नी का, वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन के वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं,
राम रूप में मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती कहने लगी, भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उसमें तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूँगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यो पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया, एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है, ये दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला, कर दिया काम, ले ली परीक्षा, हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है, कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जिद का, अब यो मुँह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुँह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा, तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है मायका। अब ने सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था, बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित, आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है, जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबहा सुबह दर्दे 11 रुपये, फिर सुबहा सुबह 21 वहाँ रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये नो रखा करें। तो ऐसे ही वहाँ कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500-500 रुपये इनको दे दो, वहाँ रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था, भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहाँ रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था।
शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी माँ के पास गई, अब बेटी का माँ के ऊपर जोर चला कर अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया ना हमें आमंत्रित किया। तो माँ ने कहा बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है जिससे वो अक्षुब्ध है, ना तो मेरी वो मानता ना मेरी तू मानती, मेरा आगे जिक्र मत। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ, फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हों, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तू भी मत आना यहाँ से, निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी, कौन, वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहाँ मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूँ सफल, उस हवन कुंड में ये क्या करा करते, ये ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरुपद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना लेते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10x10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लकड़, राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भरबर घेर स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में हवन कुंड में कूदगी और जड़गी सारी, तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने, अब वहाँ से चला अपनी सेना लेकर, अभी दक्ष न मैं करूँगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के, उधर से जो आए हुए थे अतिथि उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकने लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकने लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, बिगड़ कौन मरे सिर फड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं रुक पाऊँगा। ज़्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरों को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, पहले तू समार। उन्हें भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ, विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़ कर। उधर से भगवान शिव आ गया, शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है, फिर और कहते हाथ पांच जोड़े उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष का ला दी, बकरे का मुँह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा,
अब पार्वती को वहाँ जला हुआ देखा, भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया, जब तक मुँह फेर कर सोया था और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूम जंगला में गए, नाना ने दौड़ा कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहाँ आँख पड़ी वहाँ नैना देवी, जहाँ धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुण आत्माओं, ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी, और वहाँ पर पुजारी बैठा दिए गए थे। आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहाँ एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है, बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए, तो उसने फिर वहाँ चढ़ावा चढ़वाना शुरू कर दिया कि अभी आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी जैसे। तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका, जैसे हम श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं, तो इन भगवानों की स्थिति इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उसे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली तो मैं किस पे विश्वास करूँ। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली, अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी।